सोलन में लगातार कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है, जिसके चलते जिला प्रशासन द्वारा कई तरह की बंदिशें लगा दी गई हैं। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर आनी होगी। वहीं सभी तरह के धार्मिक आयोजनों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। साथ में यह चेतावनी भी दी है कि अगर मामले लगातार बढ़ते रहे और लोगों ने कोविड नियमों का सही से पालन नहीं किया तो आने वाले समय में जिला सोलन में लॉकडाउन की स्थिति भी आ सकती है। लॉकडाउन का नाम सुनते ही सोलन वासियों की चिंता बढ़ने लगी है। उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि प्रदेश में किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन देशवासियों के हित में नहीं है। रोष प्रकट करते हुए सोलन शहरवासियों ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पहले भी प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन लॉकडाउन लगाना कोरोना समस्या का हल नहीं है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन लगने से जिला वासियों की आर्थिक स्थिति बस से बदतर हो चुकी है। अगर फिर से जिला में लॉकडाउन लगता है तो लोगों के खाने पीने के भी लाले पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार लॉकडाउन लगाना चाहती है तो पहले वह गरीब और जरूरतमंदों के लिए कोई उचित प्रबंध करें, उन्हें राहत प्रदान की जाए, उसके बाद ही लॉकडाउन लगाया जाए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगाने से पहले जहां कोरोना संक्रमण के मामले आते हैं वहां पर छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए जा सकते हैं या कोई अन्य कारगर हल निकाला जा सकता है। अगर स्थिति बिल्कुल नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो उसी सूरत में लॉकडाउन लगाना चाहिए। अगर मैं सामान्य नागरिक के हिसाब से बोलूं तो लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो स्टेट की इकोनॉमी है, भारत की इकोनॉमी है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। इसमें जो व्यापार है, टूरिज़्म है, इस पर बहुत ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट हो रहा है कोविड से। कुछ नीतियाँ बनानी चाहिए सरकार को, जिस कारण टूरिज़्म भी इजीली चले, व्यापार मंडल भी इजीली चले, जो भी सेक्टर हैं आर्थिक रूप से जिससे हम कमाते हैं, सरकार कमाती है, या उसको एक तरह से एक निर्देश अनुसार ही चलाना चाहिए। और दूसरा, अगर यदि हम नहीं लगाते हैं तो दिक्कत ये हो रही है कि जो जनता है उसमें इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं दिख रही है अभी भी। और आप देख रहे होंगे कि बाज़ार में या शादी माहौल के जो भी जो समारोह वगैरह होते हैं तो वहाँ पे बिना मास्क के ही लोग चले हुए हैं। अभी राजनीतिक अभी चुनाव हुए वहाँ पे भी जो रैलीज हुई वहाँ पे भी इतने ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं दिखा कोविड के लिए। तो मैं यही चाहूँगा कि एक आम नागरिक के अनुसार कि लॉकडाउन लगना भी चाहिए और नहीं भी लगना चाहिए। पर सरकार को या जो भी लगाने वाले हैं लॉकडाउन, इनको ये भी सोचना चाहिए कि जो रोज़ रोटी रोजी कमा के खाते हैं, वो दुकानदार है या कोई भी है, वो अपना गुजारा कैसे करेंगे। अगर किसी तरह कर भी लेते हैं तो गवर्नमेंट लॉकडाउन हटने के बाद उन्हें क्या रिबेट देती है, क्या फायदा देती है। किसी ने लोन लिया हुआ है, किस्तें टूटती है वहां पे देने से, कारोबार ना होने से, उस बैंक वाला या और गवर्नमेंट उसमें क्या रिबेट देती है, वो किस्तें कैसे देगा, घर के क्या खर्च कैसे चलाएगा। लॉकडाउन लगना तो चाहिए, पर सबकी रजामंदी से लगना चाहिए। उसमें छोटा दुकानदार को मेन देखा जाए, जो रोज रोटी रोजी कमा के खाते हैं, गरीब तबके को सबसे पहले उनसे राय लेनी चाहिए कि या उनके लॉकडाउन हटने के बाद और हटने से पहले उन्हें क्या क्या वो फैसिलिटीज देंगे। जो टैक्स भी दे रहे हैं वो टैक्स कैसे देंगे, जब दुकानदारी में होगा ही नहीं कोई कमाई, वो टैक्स कैसे देंगे। उल्टा इसके हटने के बाद और कर्ज लेंगे, वो कर्ज में और फंसते जाएंगे। तो उस बारे में भी उस गवर्नमेंट को पूरा सोचना चाहिए। जो परेशानी है उसके होनी है इस दौरान में, अब भूखा पेट तो कोई बैठेगा नहीं, उसके लिए खर्चे चाहिए ही है, परिवार है, परिवार में हर एक चीज खरीद कर ही खानी पड़ती है, वो डेली आटा है, दाल है, नमक है, दालें हैं, सब्जी है, जो भी है। अब भूखा पेट तो लॉकडाउन में कोई नहीं काटेगा। जी नमस्कार, मैं शुभम बंसल, लक्कड़ बाज़ार सोलन निवासी। देखिए, अगर तो लोगों के हित में बात की जाए तो इस बढ़ते हुए कोरोना वायरस के लिए तो हम सरकार से कहेंगे कि लॉकडाउन बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि काम का कुछ नहीं है। सबसे पहले अगर तो जान है तो जहान है,
अगर जान रहेगी तो काम भी हो जाएगा, अगर जान चली गई तो काम भी फिर कितने ही कर लो कुछ नहीं होगा फिर। तो इसलिए हम सरकार से कहेंगे कि जो भी फैसला लें लोगों के हित में लें, अगर लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता भी है तो बिल्कुल लगाएं, हम उनके साथ हैं। देखिए, जो सरकार ने पहले फैसला लिया था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपको अगर आप आना जाना कर रहे हैं तो पूरी उसकी जानकारी चाहिए, आपकी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए, वो सब कुछ फिर से लागू कर देनी चाहिए। अगर कुछ ज़रूरी है तभी अपने घर से बाहर निकलना चाहिए, अपने शहर से बाहर निकलना चाहिए। अब इस टाइम हमारी घूमने की कोई भी चीज़ बन नहीं पा रही है कि जैसे अब लोग चाहें कि घूमने आएँ, अगर आ भी रहे हैं तो वो अपना पूरा टेस्ट करवा कर ही आएँ, और उसका जैसे परवानू बैरियर पे पहले भी हमारे पुलिसकर्मी जैसे देखते थे तो वैसे ही सब कुछ सारी सुविधा हो जानी चाहिए। में जो है कोविड सिचुएशन बहुत बुरी हो गई है, और ये अगर सरकार अगर लॉकडाउन लगाने की सिचुएशन दोबारा अराइज होती है तो इससे जो है आर्थिक स्थिति देश की और नाजुक हो जाएगी। उससे पहले हमें अपने देश के अंदर सेमी कंटोनमेंट जोन्स और कंटोनमेंट जोन बनाने चाहिए। जिन जगहों पे ज़्यादा केस आ रहे हैं वहाँ पर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दे, उससे पूरा कंप्लीट शहर बंद नहीं होगा, साथ साथ व्यापार भी चलता रहेगा, और साथ के साथ जो लोग कंटोनमेंट जोन बनते हैं उनको हर चीज़ प्रोवाइड कराई जाए, जिससे एक तो इकॉनमी में जो है थोड़ा आवाजाही रहेगी। लोगों को के माध्यम से हम सरकार से यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि लॉकडाउन की सिचुएशन जो है अभी देश नहीं सह सकता। सेकंड लॉकडाउन के अंदर जो माइग्रेंट लेबर है, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो बिल्कुल जो है आत्महत्या की ओर अग्रसर हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। लॉकडाउन की स्थिति बन तो रही है लेकिन लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन लगेगा तो हर एक जो है मतलब कि उसमें इफेक्ट पड़ेगा, हर एक तरह से इफेक्ट पड़ेगा, चाहे वो क्या फाइनेंशियली हो या फिर वो हर एक सेक्टर में इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए सभी को जो है कोविड के नियमों के पालन करना ज़रूरी है, अनिवार्य है, अगर अपनी ज़िंदगी बचानी है तो, और अपने जो घर वालों को बचाना है तो। और सबसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप जैसे अभी तक कोविड के नियमों का पालन कर रहे हैं वैसे ही करिए, जैसे लॉकडाउन में आपने किया था घर में बैठ के। जो कोई काम नहीं होगा तो बेफालतू का बाहर ना जाइए। लॉकडाउन लगने या नहीं लगने से फ़र्क नहीं है, क्योंकि जब लॉकडाउन नहीं लग रहा था तब भी केसेस आ रहे थे कोरोना के, और बल्कि आज से ज़्यादा केसेस आ रहे थे जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो अभी भी उतनी केसेस आ रहे, लगभग थोड़े कम भी है अभी। तो लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, नियमों का पालन पूरा करें, बाकी तो यही कहना चाहूँगा जी। उसमें नुकसान तो बहुत हुआ लोगों को, हर चीज़ का नुकसान हुआ लोगों को, पर लॉकडाउन लगाने से पब्लिक को भी बहुत नुकसान हुआ है, पब्लिक वालों को कोई खाने पीने की भी तो काफ़ी तंगी हुई है, ठीक है सर, और कमाई में भी बहुत वो हुई है, बरकत नहीं हुई, नुकसान ही हुआ है हर चीज़ में, पर लॉकडाउन लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, पर जो सरकार बोलेगी हम उसमें मंजूर हैं।